નમસ્કાર એનએસ ગુજરાતના સ્પેશિયલ અહેવાલમાં આપનું સ્વાગત છે. સાબરકાંઠામાં થયેલ દુષ્કર્મની ઘટનાના પડઘા પૂરા ગુજરાતમાં પડ્યા છે, ત્યારે ગુજરાતમાંથી પરપ્રાંતીય લોકો પર અત્યાચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેથી ડરના લીધે પરપ્રાંતીય લોકો હિજરત કરી ગુજરાત છોડીને જઈ રહ્યા છે. ત્યારે અખિલ ભારતીય હિન્દી ભાષી ઉત્થાન સંઘના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ઉદયવીર સિંહ ભદૌરિયા દ્વારા શાંતિની અપીલ કરવામાં આવી હતી અને હિજરત કરી રાજ્ય ન છોડવાની સલાહ આપી હતી. मैं अखिल भारतीय हिंदी भाषी उत्थान संघ के प्रमुख की हैसियत से श्री उदयवीर सिंह भदौरिया समस्त हिंदी भाषी पर प्रांतीय समाज को अपील करता हूं कि हिम्मतनगर में जो बनी हुई घटना की मैं निंदा करता हूं, कि सब लोग शांति से चैन अमन करें. जिस व्यक्ति ने ये कांड किया है, बहुत घृणा वाला काम किया है, उसको मैं सरकार से और कानून से प्रार्थना करता हूँ कि उसको इमीडिएटली 4 हफ्ते पे बुला के उसको फांसी की सजा देनी चाहिए. और जिसके साथ गलत, जिस परिवार के साथ ये गलत कांड हुआ है, उसको इस चीज की प्रेरणा होवे कि दूसरी दफे किसी भी समाज का व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करे. ऐसी मैं सभी समाज की अपील करता हूँ कि भाई शांति से चैन और अमन सबका स्थापित हो. लोग हिजरत कर करके यहाँ से जो जा रहे हैं, निर्दोष लोगों के साथ अन्याय हो रहा है. जिस व्यक्ति ने कांड किया है उसको पनिशमेंट का अधिकार है, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं, जो यहाँ से बेचारे जिन्हों को पता ही नहीं है वो व्यक्ति कौन है, ऐसे के घर पे जाके तलवारों से दूसरों से जो हमला किया जा रहा है वो गलत है, निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए. आज हमारा समाज, हिंदी भाषी समाज, पर प्रांतीय समाज, हर एक कास्ट के लोग गुजरात में जिस तरह से दूध में शक्कर मिल जाती है उस तरह से लोग मिले हुए हैं. उसको आप अलग करना चाहो तो भी अलग नहीं हो सकते. इस गुजरात में कुछ राजनीतिक परवल तथा असामाजिक तत्व इसका लाभ लेना चाहते हैं. मैं सभी अपने समाज के लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग किसी की अनच्छनीय बातों से ना आकर अपनी सही दिशा को अपनी दिशा चुनें. और हिजरत करने से कुछ नहीं होगा. आप अपनी बातें, अगर आपके साथ कोई संघर्ष करता है, आपको तकलीफ देता है, तो आप नज़दीक के पुलिस थाने में संपर्क करें. फिर हमारे जैसे हिंदी भाषी समाज के जो संस्थाएं चलाते हैं उन लोगों के मैं नंबर दूंगा आपको, उन लोगों से आप संपर्क करें. अभी फिलहाल हम लोगों ने जो लोग प्रेरित हैं, जो लोगों को रोजी रोटी और इनका विकास का काम रुक गया है, ऐसे लोगों को हम हमारे समाज में अखिल भारतीय हिंदी भाषी उत्थान संघ में उनको आसरा दे रहे हैं और वहाँ खाने पीने दवाओं की सब व्यवस्था कर रहे हैं. स्टेशनों की लंबी लंबी लाइन है, बसों पे 200-200 आदमी, जहाँ 60 आदमी नहीं चल सकता है, 200-200 आदमी भिंड, मुरैना, ग्वालियर, आगरा, इटावा, दिल्ली, इस तरह के लोग सब चले गए. मैं जो लोग आंदोलन कर रहे हैं कार्य करने वाले हैं, उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान राम अयोध्या में रह के भी उन्होंने रामराज्य अखे हिंदुस्तान में रामराज स्थापित किया, और उनके मंदिर के लिए इतने वर्षों से हमारे माननीय श्री प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी आंदोलन करे, तो आज सेंटर में प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरे हिंदुस्तान के हैं, ना कि खाली गुजरात के हैं. इसी तरह से भगवान कृष्ण यूपी से आके द्वारिका में बसे, वो कोई परप्रांती नहीं थे. अभी उनको अगर आप लोग परप्रांती मानोगे क्या, जिस तरह से हम लोग यहाँ परप्रांती तरीके आए हैं, उस नज़रिया से लोग देखने लगे हैं. मैं छपैया से श्री घनश्याम जी महाराज, जो स्वामीनारायण भगवान हैं, उन्होंने यहाँ स्थापना करी स्वामीनारायण भगवान की गुजरात के अंदर. तो आप विचार करिए कितना अच्छा धर्म है जिसको 80% लोग अपना रहे हैं. उन्होंने लोगों को कैसी प्रेरणा दी है, हिंसा नहीं होने देने की बात करी है. इस देश के गांधी जी थे जो हिंसा में नहीं मानते थे, अहिंसा परमो धर्म कहते थे. ऐसे लोगों को जो असामाजिक तत्वों ने वो हत्ता बना लिया है, तो मैं उस समाज के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारा समाज आपके उपयोगी होगा, उपयोगी रहता है, उपयोगी है. आज गुजरात के अंदर 1 करोड़ हिंदी भाषी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, सभी देशों से आए हुए हैं, जो यहाँ रोजी रोटी कर रहे हैं. कोई शिक्षा में है, कोई लेबर में है, कोई कुछ है. अगर इस तरह से आंदोलन चलता रहा और लोग हिजरत करते रहे, तो
आने वाले दिन दीपावली यहाँ दीपक नहीं जलेंगे, दीपक अस्त हो जाएगा। उसका कारण ये है, मैं किसी को चेतावनी या धमकी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लेबर जितनी मजदूर है, प्रोसेस हाउस इंडस्ट्रीज, मिनी इंडस्ट्रीज है, अगर इंडस्ट्रीज के अंदर लेबर नहीं होंगे तो फैक्ट्रियाँ कहाँ से चलेंगी, वो दीपक बुझ जाएंगे। जितना भी इंडस्ट्री लोखन का है, फाउंड्रियाँ हैं, उसमें सब लोहे का मजदूरी का काम है, वो लेबर यूपी एमपी और राजस्थान से ही लोग जुड़े हुए हैं। जितने व्यापारी हैं वो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, प्रोसेस हाउस के मालिक हैं वो सब राजस्थान के हैं। अगर इस तरह से उग्र आंदोलन बनता रहा और हिजरत इस तरह से लोग करते रहे तो आने वाले समय में जो महाराष्ट्र और बॉम्बे के अंदर हो रहा है, अभी कोई कीमत पर लेबर नहीं मिल रहा है, वो गुजरात की परिस्थिति आगे खड़ी रहेगी। मैं आप लोगों से, आंदोलन करने वालों से और जो मजबूरियां सहन कर रहे हैं, जो हिजरत कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे लाइन लगी हुई है, वो बसों पे लाइन लगी है, छत के ऊपर बैठ के जा रहे हैं, उनको खाने की परिस्थिति है, पकौड़ी बेचने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले